एडिटिंग चल रही थी, फिर हर्ष बेनीवाल जो है देखा होगा सभी जानते हैं, तो उनके एडिटर को मैंने मैसेज किया, अनमोल भैया, एलेक्सा प्ले सिद्धू मूसे वाला सॉन्ग। क्या बना रहे हो? टोस्ट बना रही हूं। किसके लिए? मेरे लिए। ये नाश्ता, ये किसकी फीलिंग है? आलू, आलू की और प्याज, आलू प्याज और धनिया, धनिया हरी मिर्च और ऐसे टेस्ट। ओहो, मतलब टोस्ट टेस्टी लगता है। हाँ, तो अभी खाएंगे। तो भाई अपना टोस्ट और चाय आ चुकी है। सिनेमैटिक शॉट्स मैंने आपको जलाने के लिए बताए थे कि देखो सड़ो, कि मैं खा रहा हूँ। और नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली का नोंडा स्वागत करता हूँ आपके नए ब्लॉग में रेजिटर। तो भाई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और एक चीज बताना चाहता हूँ। तो हमारी अम्मा टोस्ट बना रही थी हमारे लिए और ये खा रहा था छोले। इसने कहा कि मेरे को भी नहीं दी है, तो इसके लिए भी ये अब टोस्ट आ चुके हैं। भाई भी खा रहा है। हाँ, देखा ट्रेलर, मतलब टीजर देखा? एक और आ गया पबजी का, यूट्यूब पे चेक देख, ट्रेंडिंग चल रहा है, फेस रिवील किया है पबजी का कैसा होगा। तो भाई आ चुका है बैक टू वर्क और अभी ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। इसमें एक दिक्कत आ गई, मैं यहाँ से फाइल ड्रैग कर रहा हूँ, खाली ऑडियो ऑडियो आ रही है, बट यहाँ पे मैं फंक्शंस देख रहा हूँ, कुछ ऐसा सेलेक्ट नहीं हो रहा था जिससे दिक्कत आ रही हो। बट एक चीज़ और हो रखी है, ये शायद दिक्कत तो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, खाली ऑडियो सेलेक्ट हो रही है। ऐसा क्यों? मेरे को बार बार बंद करना पड़ रहा है, शायद ग्लिच है या कोई ऐसा चीज़ दब गई है। मैं वर्क टू इसेंशियल कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, वर्क टू इसेंशियल में ना रीसेट कर दो, ये रीसेट टू सेव लॉग आउट, अब जो चीज़ पहले जैसी होगी वापस आ जाएगी। बट मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें शो क्यों रही, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ी दिक्कत आ गई मेरे को। शायद ब्लॉग थोड़ा लेट डलेगा, ये वाला कल वाला देखा होगा। थोड़ा एडिटिंग चल रही थी, फिर हर्ष बेनीवाल जो है देखा होगा सभी जानते हैं, तो उनके एडिटर को मैंने मैसेज किया, अनमोल भैया बहुत अच्छी एडिट करते वीडियो, सामने स्क्रीनशॉट देखो। उनसे मैंने पूछा भाई ये ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, बताओ। उन्होंने कहा ये सिलेक्ट हो रहा है, ये टिक करो। तो देख सकते हो सब भाई हेल्प करते हैं, भैया हेल्प करते हैं हमेशा, और जब भी पूछो तो बताते हैं। थैंक यू सो मच भैया, बस ऐसी सपोर्ट चाहिए बस। तो भाई मेरी साइड से वीडियो अपलोड हो गई थी और कॉपीराइट दे दी, एक सॉन्ग लगाया था, मेरे को लग नहीं रहा था कि वो आएगा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम ने भाई ने मेरे को टैग कर रखा था उसमें, मैंने वही म्यूजिक उठा के डाल दिया, 6 सेकंड का था, बहुत महंगा यार, अब एक्सपोर्ट की वेट करो। वैसे मैंने देखा था यूट्यूब स्टूडियो में कोई सैड म्यूजिक मिल रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कोई मीम टाइप, मैं भी पक्का हूँ ना कोई मीम टाइप मिले म्यूजिक। एक तो दिक्कत आती है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, तो यही दिक्कत आती है। थोड़ा मीम वाला कोई सॉन्ग या जो आजकल चल रहा है सैड वाला, वो कोई मिल जाए तो वो ढूंढता हूँ, वही लगाऊंगा, इसलिए लेट हो गई। और 3:30 बजे मैंने 1:30 बजे सोचा 1:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि कल भी अपलोड करी, कल 2 वीडियो, तो वो भी दोनों भी चल रही है ठीक ठाक, क्योंकि आप तो लाइक तो करते नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अभी को डाल रहा हूँ बस आखिरी, क्या है यार, चलो मैं मिलता हूँ यार, हमें सर दर्द हो रहा है, बस जल्दी से अपलोड कर 1 घंटा सोऊंगा और शाम को मिलूँगा चाय के टाइम पे, ठीक है। तो फाइनली वीडियो डल चुकी थी, अभी भी चाय पी है और थोड़ा मूड ऑफ भी है, क्योंकि आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा, वो मैंने शाम को डाला और शाम को ऑडियंस एक्टिव नहीं रहती, ऐसा मेरा मानना है, तो मैं शाम को व्लॉग तो नहीं डालूंगा, चीज़ तो क्लियर हो गई। कोई कल वाले वीडियो में नोटिफिकेशन बेशक गई हो, पता नहीं क्या सीन था भाई, शाम को नहीं डालूंगा, या तो मैं 12 से 1 के बीच में डालूंगा हमेशा व्लॉग, या फिर रात को 9 से 10 के बीच में, इन दोनों टाइम व्लॉग आ गए तो ठीक है, नहीं तो भाई नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि मैं अब रिस्क नहीं लूँगा यार, क्योंकि व्लॉग बनाना भी आसान नहीं होता, बट वही है कि डेली लाइफ है तो कभी कभार शेड्यूल भी नहीं मैच हो पाता। कल 2 व्लॉग किए, तो आज वाला एडिट करके अपलोड करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट फिर भी किया था मैंने वो, एक दिन में 2 व्लॉग और अगले दिन 1, तो मतलब 24 घंटे के अंदर 3 व्लॉग आ गए, तो एक अप्रिसिएशन भी होती है। बाकी नंबर्स में देखता नहीं, कभी कभार रहता है कि भाई ब्लॉग्स में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, बट ठीक है 1500 या 2000 बंदा देख रहा है तब भी ठीक है, कि 2000 बंदा एक्टिव तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, रेजिटर हमेशा ऐसे ही रहेगा और ऐसे ब्लॉग आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अबे ये क्या कर रहा है ऐसा लग रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, हेलो, हाँ वो पागल, अबे क्या कर रहा है बता दो, एक्सरसाइज, ये कौन सी एक्सरसाइज है बेटे, है जिम बनना है, हाँ तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंट बैंड लेके आए, वो भी तो इससे क्या होगा भाई, मतलब कि बाइसेप सब पंप रहता है, मसल अच्छा रहेगा। कहाँ से देखा है ये, कहाँ से देखा है, मतलब यूट्यूब पे चल रहा है, अच्छा जी, होम वर्कआउट बाइसेप विद रेजिस्टेंस, अच्छा जी,
ये सही है। देखा यूट्यूब और टिकटॉक में ही फर्क था। टिकटॉक में हमेशा क्रिंज मिलता था, वहां से आप डिमोटिवेट होते थे, और यहाँ पर अपनी वीडियो आती हुई आईपीएल वाली, क्योंकि मैं रो रहा हूँ हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन खरीदा नहीं, आप लोगों ने व्यूज नहीं दिए, देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसकी बॉडी देखो और इसकी बॉडी देखो तो बन जाएगी भाई। ठीक है, उसका भाई सब देख पता भी लग रहा है, अगर वो मेहनत भी कर रहा तो ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, कॉपीराइट ना है तो अलेक्सा प्ले सिद्धू मूसे वाला सॉन्ग। Songs by Sidhu Moosewala on Amazon Music. Yes, bajao. Alexa, stop. अबे इतना पागल थोड़ी हूँ यार, कॉपीराइट ला दूँ। पिछली वाली वीडियो में कॉपीराइट से परेशान होकर फिर ला दूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपना म्यूजिक लगाऊंगा, इसके सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं एक्सेस करते हुए। ठीक है, सिनेमैटिक शॉट के चक्कर में ना ऐसी ऐसी होगी, आदत नहीं है भाई जिम करने की। जिम करेंगे क्योंकि पहले मैं जिम जाता था, अब छोड़ दिया पता नहीं क्यों। दोस्त वगैरह जाता था, ईशान भैया हमारे वो कनाडा चले गए तो उनके साथ भी जाता था, और शिवम भाई है तो दोस्ती यारी में अगर जिम करो तब तो भाई हो ही नहीं पाती, क्योंकि दोस्ती यारी में चीज रहती आ रहा है तू आ रहा है नहीं यार मन नहीं है, हाँ मेरा भी नहीं है, कल से ज्वाइन करेंगे, कल का दिन आ रहा है। अरे यार ट्रेनर नहीं आ रहा आजकल, एक्सेस हो नहीं पाएगी। हाँ ठीक है, ऐसे चलता था। तो ये कर रहा अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर टीवी को देखते हुए, और यहाँ पर कट रहे हैं आलू। चाय जी आलू क्यों काट रहे हो? इडली खानी है तो आप लोगों ने। तो ये आलू अभी बनेंगे? हाँ। तो वही सब्जी वाले उबले हुए आलू देर नहीं लगती। अच्छा ये उबले हुए हैं तो इसमें आलू की रोटी बन सकती है वैसे? हाँ बन सकती है। तो यहाँ पे चाय जी हमारी दादी आलू काट रही है उबले हुए। और तो मम्मी आज क्या है डिनर में? पनीर की सब्जी है, चने की दाल है। अंदर तो वो तो कह रहा था आलू पूरी बना रहे हो, यहाँ कैमरे के आगे चने की दाल। मैं आलू पूरी सुन के किचन में आऊं, नहीं तो मैं एंड में दिखाने वाला था, खा कह रहे हैं। आलू पूरी बना देती हूँ। अब बना नहीं देती, आलू पूरी तो बन रही है, चाहिए वो अंदर कर रही है। मतलब उबले हुए मैंने तो तूने खानी है। हाँ तू कहता अभी बताता हूँ। कब पूछा? मैंने पूछा अभी आवाज प्रिंसिपल। वो तो चिंटू ने मेरे को अंदर बताया, यहाँ पे कैमरा भी नहीं आ रहा है। हाँ वाइट वाइट क्या आ रहा है पता नहीं, पता नहीं यार घर पे फोन से बना बना के ना अब कैमरा लेना पड़ेगा। आलू पूरी बनेगी अभी? बनेगी। तो अभी आलू बनाने में टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। कितने मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट लगेंगे, और पूड़ी के साथ, और साथ में होगा आम का अचार। ठीक है, क्यों बोलेंगे कोरोना वैसे चल रहा है तो अचार से कोरोना थोड़ा होता। फिर घर पे फिर घर का अचार क्यों बनाते हो? फिर घर का अचार नहीं होता, बाहर का अचार होता है, वो हम खाते कम है। बाहर का होता है? फिर ठीक है भाई आप ही मत खाना। जब से कोविड आ रहा है ना अपने एरिया में पूरा सुनसान हो रहा है, दूर दूर तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार। अगर यहाँ पे अगर थंबनेल लेना पड़े तो ओके व्यू आ रहा है भाई, वाइड एंगल देख रहे हो? कौन कहता है मेरे कैमरे से वाइड एंगल नहीं आता? ये लो वाइड एंगल, लो वाइड एंगल। और यहाँ पे बाइक वगैरह चल रही है, लोग निकल रहे हैं बहुत कम, यहाँ पे भी शॉप्स हमारी 7 बजे का बंद हो जाती हैं, मास्क नहीं पहना और दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छी बात है, सब अपने घर पे है, सेफ है और सेफ ही रहना चाहिए। अंधेरा ज्यादा लग रहा है बट ठीक है यार। पापा मैंने शाम को ब्लॉग डाला और नहीं चला, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करते रहो उसका फल मिलेगा। वही नंबर्स मैटर नहीं करते पर लोगों को दिखना चाहिए कि काम चल रहा है, जैसे फ्लाइंग बीस्ट है। नहीं, वैसे बनाते रहो, ऐसा होता है कई बार किसी बंदों को टाइम नहीं मिलता। हाँ ये बात भी है। तो अरे देखो ना 24 घंटे मैंने 3 वीडियो डाल दी, तो वो भी गलत है ना? नहीं गलत क्या, अब एक्टिव होना चाहिए। पबजी थी, टाइम पे चल रही, शेड्यूल पे चल रही थी, मतलब टॉपिक भी तो वैसा देखना चाहिए ना जो ट्रेंडिंग हो। तो पबजी थी, बात करी तो उसे डाल दी, वो सही चला, मुँह चला भी सही चल रहा है, ठीक है। ये वाला ये कल जो आज शाम को डाला है व्लॉग वो थोड़ा लो हो गया, बट कोई नहीं, अगर आप सपोर्ट करोगे तो यार 1500 बंदे मेरे लिए बहुत है, कि वो 1500 बंदा अगर वो इकट्ठा हो जाए मेरे घर के बाहर, इकट्ठा हो जाए घर के बाहर तो बहुत है भाई। महा कसम पूरे इंडिया में अगर अवेला बंदा है तो मेरा चिंटू।
भाई एक बात बता, दुनिया में कितनी मूवी है, नेटफ्लिक्स है, तू वेलकम मूवी। भगवान का सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बट एक बंदी नहीं है। यो, और अब खाएंगे आलू पूरी अचार के साथ, ठीक है चिंटू? चिंटू को फेमस करना है, चिंटू नाम आजकल वायरल होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इस बार सब चिंटू चिंटू लिखेंगे, जो अगर 20 से ज्यादा चिंटू लिख दिया तो मैं पक्का चिंटू के साथ वीडियो बनाऊंगा रोज, मतलब जब भी वीडियो आएगी हमेशा चिंटू को लूंगा। तो कमेंट सेक्शन में 20 से 25 की डिमांड कर रहा हूँ, कमेंट की चिंटू लिख देना, पक्का बनाऊंगा। और अपने ऑफिस में आ चुके हैं, कितना सूना सूना लग रहा है कि अपना लैपटॉप है ही नहीं इधर, कि भाई काम नहीं है ना अभी अभी क्रिएटर सब अपने घर से बना रहे हैं वीडियो, थोड़ा टाइम ले लेकर सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, बहुत बातें करते हो ना। कोई नहीं यार, करनी पड़ती है, क्या करे, ब्लॉगर हैं, जब तक बातें नहीं करेंगे आपको मजा कैसे आएगा। इसलिए किसी को ब्लॉगर बनना है ऐसा रखना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, रोज कैमरा पकड़ता हूँ, क्योंकि यार रोज वीडियो बनाना भी आसान नहीं है। अगर फ्लाइंग सर, फ्लाइंग वी सर की वीडियो देखते हैं, सौरभ भाई की वीडियो देखते हैं, तो भाई इट्स नॉट इजी टू मेक रेगुलर व्लॉग्स, इट्स टू डिफिकल्ट, मुझे पता लग गया भाई, क्योंकि ना दिमाग में चलता रहता है आज, क्योंकि ना जरूरी नहीं कि पूरा दिन ही मतलब इंटरेस्टिंग रहे, कभी कभार चीज़ें थोड़ी सैड भी रहती हैं, कैमरे के आगे नहीं दिखानी पड़ती, जो चीज़ दिखा नहीं सकती मैं दिखा देता हूँ, तो इट्स नॉट ईजी, ठीक है। पहला पॉइंट है मेरे ज़िंदगी का कि अगर व्लॉगर बन रहा तो वो ईजी नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है, तो बाकी आपके ऊपर, आपको बनना तो ठीक है, ये तो मेरे वीडियो इन्जॉय करो, बाकी क्रिएट की इन्जॉय करो। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल 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 उदय, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के चार टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया, और बस 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 अब बता। अब और सुनो, भाई हमारा आलू पूड़ी आ चुकी है, ओए होए होए, फूली फूली पूड़ी, आहा, सुबह सुबह मैंने शॉट लिए थे टोस्ट के इसी जगह पे। ब्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और शाम के वक्त अब नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते शायद, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना, और हाँ चिंटू कमेंट करना मत भूलना, प्यार आपका, मेहनत भी आपकी, बाय बाय, और आलू पूड़ी एज यूजुअल बढ़िया चीज मेरी, बाय बाय। तो भाई खाना खा रहे थे, आलू पूड़ी थी, मज़ा आएगा कि मूवी देखते देखते करेंगे और लाइट चली गई, ठीक है यार, बाय बाय, बिना लाइट के खा लेंगे, बाय बाय। और हाँ मैं इधर की बात उधर नहीं करता था, समझने वाले समझ गए, लव यू।